एवरीवन, दिस इज मी अगेन एंड वेरी फनी, इसका पंखा पकड़ के घुमा दूँ मैं। तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन थाईलैंड, मैं जा रही हूँ थाईलैंड बाई तो में। तो अभी हमारी चंडीगढ़ टू दिल्ली फ्लाइट है, उसके बाद आगे है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो मैं हूँ थाईलैंड में एंड आज मैं करने जा रही हूँ सोलो ट्रैवलिंग। तो मैं आप सबको बता दूँ कि इवन इन इंडिया मैं कभी घर के पास वाली मार्केट तक मैं अकेली नहीं गई हूँ, और यहाँ अनजान देश में आज मुझे अकेले जाना है। बिकॉज जो मेरी फ्रेंड थी जिसको मेरे साथ जाना था, उसकी एक्चुअली फ्लाइट मिस हो गई है, तो वो रात को बहुत लेट पहुंचेगी। और अभी यहाँ के टाइम के अकॉर्डिंगली हो रहे हैं शाम के 5:30, और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, और क्योंकि मैं सो गई थी आते ही, और मैं अभी उठ के नहा धो के तैयार हो गई हूँ। तो जाते हैं बाहर, देखते हैं, यहाँ पास में 10 मिनट की दूरी पर एक मॉल है, वहाँ जाते हैं, पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद थोड़ी शॉपिंग करते हैं। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज मैं कभी ऐसे अकेले गई नहीं हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत डिफरेंट होगा। तो चलिए चल के करते हैं बैंकॉक को एक्सप्लोर। सो दिस इज़ माई लुक फॉर टुडे, और मैंने ये डाला है, तो चलते हैं। जर्नी जो है स्टार्ट हुई है एंड मैं हूँ टैक्सी में एंड लुक एट द व्यू। बहुत ज़्यादा रौनक है यहाँ पे। यहाँ ट्रैफिक जाम में फंसे, इतना गंदा जाम लगता है यहाँ पे। आई शो यू सी, और ये 10 मिनट से है भाई, और इतनी भूख लग रही है ना, पता नहीं क्या होगा मेरा। गॉड ब्लेस मी। हाय एवरीवन, तो जाम तो हट ही नहीं रहा था, और मैं 10 मिनट से 10 से भी ऊपर आई। फाइनली मैं बैठी हूँ एक बहुत क्यूट सा कुछ है जगह है यहाँ पे, पेपारी थाई बिस्त्रो में, और मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है। यहाँ पे वेज मिलना बहुत मुश्किल है, बट समहाउ आई एम लकी, मेरे को कुछ वेज मिल गया है। और अब मैं ड्रिंक मेन्यू डिसाइड कर रही हूँ, और समझ में नहीं आ रहा क्या लूँ। सो आई थिंक मेरे को थोड़ा मैंगो चाहिए, और जैसे फूड आता है आपको दिखाती हूँ, रिव्यू देती थी फूड कैसे, एंड आई जस्ट विश कि ट्रैवल करते हैं, बहुत वेट किया। फाइनली द फूड इज हियर एंड लुक, ये है स्पेशल विजिट, स्पेशल अपीयरेंस। तो ये मेरा फूड आ गया फाइनली, मैं बहुत खुशी हूँ, अब मैं खा रही हूँ। चलो भाई, तो पेट पूजा करने के बाद अब मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ मॉल को। खाना अच्छा था, ठीक लगा, बढ़िया लगा। तो अब देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें जैसे गुच्ची हो गया है, और डोल्चे एंड गबाना, एनजीबी चू, और भी बहुत सारे जो आई गेस इंडिया में नहीं है ब्रांड्स। तो देखते हैं यार, आज पूरा दिन शॉपिंग ही करते हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं जिम्मी जो जाके एक बार देखूँ यहाँ है क्या। ओके, तो मैंने फाइनली कुछ तो लिया है, और वो है बॉबी ब्राउन, ये मैंने खुद के लिए लिया है फाउंडेशन, तो खुद को सेल्फ गिफ्ट किया है, महंगा था बट ठीक है। अब अगर मैं और एक्सप्लोर करूँगी मेरे को लगता है मैं लुट जाऊँगी, तो इट्स बेटर कि सिर्फ एक्सप्लोर करूँ, कुछ खरीदूँ ना। तो देखते हैं, इधर लगी है बहुत ज़्यादा भीड़, और जब मैंने पूछा तो मुझे पता लगा कि इनका कोई सेलिब्रिटी बैंड है, और वो सब यहाँ आ रहे हैं।
इसलिए इतनी भीड़ लगे खड़े हैं, पर मुझे क्या, मैं तो उनको जानती भी नहीं। कोई सलमान खान शाहरुख खान आता तो रुक जाती, बट हम चलते हैं भाई, हमारा कोई मतलब नहीं है खड़ने से। ये सब अभी तक यहाँ खड़े हैं, लगता है इनका सेलिब्रिटी जिनके वेट करे वो अभी तक आए नहीं है। चलो मैं इस मॉल को टाटा बाय बाय करती हूँ। मैंने सुना कि एक और मॉल है इसके सामने, वहाँ पे रीजनेबल प्राइस में चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ चलते हैं। आई होप बस मुझे वो मिल जाए। लुक एट दिस यार, कितना प्यारा मॉल है, सो ब्यूटीफुल। देख सकते हो बेबी वाले, पर इसमें बेबी नहीं, इसमें डॉगी है। लुक एट द क्यूट डॉगी। How cute. यार मैं ना बिना बात के दो मिनट भी नहीं रह सकती, और मैं काफ़ी टाइम से अकेली चल रही हूँ। मतलब इट इट इज़ फन, बट कोई साथ में तो ज़्यादा मज़ा आता है, बट ठीक है मैं ये टाइम भी इंजॉय कर रही हूँ। तो आई होप कुछ अच्छा मिल जाए मुझे, ताकि मैं थोड़ा दिल लग जाए। तो मैं आ गई दूसरे मॉल में, और मुझे जो पहले मॉल थी वहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, साथ में ही है आई गेस वो जो भी सेलिब्रिटी बैंड था वो आ गया है। ये रहा वो सेलिब्रिटी बैंड जो आ जाएगा, और गया। तो मैं करती हूँ एक्सप्लोर। सुना कुकिंग की आवाज़ें, चलो एक्सप्लोर करते हैं और ख़रीदते हैं कुछ। हाँ ये शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ लगी हुई है सेल, और काफ़ी कपड़े भी हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या लूँ क्या ना लूँ। समझ में नहीं आ रहा है इन द सेंस कि मतलब कुछ भी खास नहीं लग रहा मेरे को। ये ले लेती हूँ, बेस्ट है, जस्ट किडिंग, सो शॉर्ट। ओके क्यूट है, सो क्यूट। सो लेट्स सी, और भी बहुत सारे हैं कपड़े यहाँ पे, तो देखते हैं।
सो दिस इज द सेकंड आउटफिट ऑफ माइन व्हिच आई ट्राइड एंड आई डोंट नो व्हाई बट मुझे ये भी बहुत ज्यादा प्यारी लगती है. सी हाउ गुड इट लुक्स. लुक एट दिस शूज भाई साहब. कौन डालता भाई ये हील्स देखो इनके. देखने के लिए वैसे है बहुत कुछ होती है, सब नहीं डाल सकती मैं इतने हील्स. ओह कितने क्यूट लग रहे हैं यार. ये मेरे टाइप के जूते तो है ही नहीं है तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए आई गेस. यार शॉपिंग वॉपिंग सब कर लिया, सब हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट वॉट अब मैं क्या करूँ. ऊपर से यहाँ कहीं बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ बहुत गंदा जाम लगता है यार. आप कहीं कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते. ऊपर ट्रेन जा रही है. बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है यहाँ पे, ट्रैफिक जाम जो है, और इतनी देर तक खड़े रहना पड़ता है ना. तो अब मैंने मॉल वगैरह तो सब घूम लिया है, अब देखती हूँ आगे. या तो सोच रही हूँ होटल वापस ही चली जाऊँ और थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद देखूँ क्या कर सकते हैं क्या नहीं, बिकॉज मेरी फ्रेंड जो है वो आ रही है तो उसके साथ ही कहीं चलते हैं. लेट्स सी. कामयाब हो पाते हैं कि नहीं, तो मेरे को लगता नहीं मानेगा. आई डोंट थिंक होप सो कि मान जाए. हम आए हैं स्ट्रीट मार्केट पे शॉपिंग करने बैंकॉक. एक दिन हम अल्फा भी ऐसे बिकेगा. सो यहाँ सब कुछ है, सब कुछ है ना, खाने का, कपड़े वपड़े, ज्वेलरी वेलरी जो देखो. नाइस, मच्छी मार्केट जैसा लग रहा पर बड़ी है. तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट और मुझे तो अभी तक कुछ कुछ खास पसंद, कुछ खास पसंद आया क्या, मुझे वो टम्बलर पसंद आए, कॉफ़ी वाले टम्बलर पसंद आए. मेरे को तो बैग चाहिए पर पता नहीं क्या करूँ मैं, मेरे को पता नहीं, पर अजीब सी फिश की स्मेल आ रही है गंदी, पर ठीक है चलो. और बाय द वे हमने उस टैक्सी वाले को 150 ही दी है. 120 में माना नहीं, इंडिया की तरह ही ले लो जी, ले लो. यार मैंने यहाँ पे सीख अंकल देखे हैं, पतो नाम
तो ये थाईलैंड के सिख हैं। नाइस। तो मेरे लिए काफ़ी न्यू था क्योंकि मैंने बहुत सारे रिलीजन देखे हैं बट सिख रिलीजन को कभी नहीं देखा। एंड बीइंग अ सिख आई फील सो प्राउड कि चलो हम लोग भी कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के कोनों में। सो नाइस। और वैसे पंजाबी और हिंदी नहीं आती थी, ओरिजिनली यहीं के। वी आर स्टिल सर्चिंग कि कुछ मिल जाए। दारू पिएगी? वी जस्ट टॉकिंग। हम नहीं पीते, पानी पीने वाले बंदे हैं। तो यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है अब तो, क्योंकि जहाँ पहले गए थे ना मार्केट में वो थोड़ी कंजस्टेड थी, बट ये थोड़ी सही है, थोड़ा ओपन में है तो थोड़ी हवा भी लग रही है। हाँ, थोड़ा सा फील हो रहा है कि बाहर निकालो। और हाँ, मेरे को जो इन सिख अंकल मिले हैं तो भाई बड़ा सही लगा उनसे मिल के बातें करके। हालांकि उनको इतनी नहीं आती थी। मेरे को जब कोई लगता ना कि कोई इंडियन है, मैं अपना मुँह से बंद कर लेती हूँ, बहुत शर्म आती है। वेल, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ पार्टी के लिए ड्रेसेस की, कल हमें जाना पार्टी पे, तो लेट्स सी अगर यहाँ कुछ मिल जाए। फिर रात के 1 बजे हैं तब भी मार्केट फुली ओपन है और कितनी चहल पहल है सब कहीं। और कुछ दुकानें तो जस्ट अभी खुली हैं, तो मैं देखती हूँ अपने लिए पार्टी ड्रेस, लेट्स सी कुछ मिली। तो शिविका ने फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है, उसने हैंड बैग वगैरह ले लिया। मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, मैं कब से ऐसे ही घूम रही हूँ। क्या पसंद आया भाई? चीज़ों पे चीज़ें खरीद रहे हैं। ओह नाइस। या काउबॉय काउबॉय, लेट्स गो काउबॉय स्ट्रीट, वेरी फ्रेंडली स्ट्रीट।